Please subscribe my YouTube channel and press bell icon. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एमएलवी स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को आप हिंदी में कह सकते हो लंबाई में संकुचन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस फ्रेम है, अगर वो वी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके अंदर आप किसी भी वस्तु की लंबाई को मापोगे तो उसका कंट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि संकुचन हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक स्त्री टेबल है, उस टेबल के ऊपर अगर मैंने इस पेन की लंबाई को मापना है, तो मैं आसानी से उसका ये वाला पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के बीच की लंबाई को मैं आराम से मेजर कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को इसी पेन की लेंथ को अगर कोई वी वेलोसिटी से मूव कर रही है फ्रेम, उसके सापेक्ष मापना, तो मैं नहीं माप सकता। देखिए दोस्तों, अगर ये इस तरह मूव कर रही है, तो अगर मैं इसको मापना चाहूंगा, अगर मैंने पहले इस पॉइंट को माप लिया, तो अगर इस पॉइंट को मापूंगा तो ये आगे और मूव कर जाएगी। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रखा है कि देखिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले अगर मेरे को स्थिर फ्रेम में इसकी लंबाई मापनी हो, तो स्थिर फ्रेम में इसकी लंबाई मैं मान लेता हूं कि इसकी यहां की ये जो पोजिशन ये एक्स वन है, और यहां पर इस त्रिभुज में इसकी पोजीशन x2 है, तो आराम से ये वाली लंबाई में मेजर कर सकता हूं। इसको मैं s फ्रेम के अंदर x2 इसको थोड़ा बेस पे लिख देते हैं, ठीक रहेगा। ये हो गया x1, ये x2 माइनस x1। तो मैंने आराम से इस जो स्थिर फ्रेम थी एस फ्रेम, ये मैंने स्थिर फ्रेम मान रखी है एस, इसके अंदर आराम से इसकी लंबाई मैंने मेजर कर ली। लेकिन अगर मैं यही लंबाई अगर किसी जो ये जो फ्रेम है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर इसके अंदर मैं मापना चाहूं, तो मैं इसको अच्छी तरह से मेजर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर ये फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर मैं इसकी लंबाई को मापना चाहूं, अगर मैंने यहां पर मापना चाह किसी समय टी पर इसको ये समय यहाँ पर माप लिया, तो अगर मैं यहाँ पर मापूंगा तब क्या होगा कि ये जो फ्रेम है ये मूव आगे कर जाएगी। तो आसानी से मैं इस जो पेन की लंबाई को मैं किसी भी मूविंग फ्रेम में इसको आसानी से मेजर नहीं कर सकता हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था ऐसे करेंगे, अगर आज देश फ्रेम में भी इसकी लंबाई को मापना हो, तो इसके लिए मैं एक व्यवस्था करूंगा। व्यवस्था यानी एक सिस्टम ऐसे करूंगा कि मैंने यहां पर भी क्लॉक लगा दी, एक क्लॉक यहां लगा दी, एक क्लॉक यहां लगा दी, एक क्लॉक यहां, ऐसे ही मैंने लगभग बहुत सारी क्लॉक लगा दी है, और यहां पर इन सभी जगहों पर किसी इंसान, यहां पर भी एक इंसान है, यहां पर भी एक इंसान है, दोनों इंसानों को मैंने बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जैसे 12:01 पर दोनों ही इंसानों को यहां पर टिक कर देना है, तो इस इंसान ने इस टाइम पर यहां टिक किया, इसने ये टिक किया, तो फिर ये आसानी से लंबाई मेजर की जा सकती है। तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहें तो देख सकते हो, तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना कि हमारे पास दो फ्रेम एस और एस डैश है, जिसमें से एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एस फ्रेम में जो ये जो पेन है, ये वस्तु है, उसकी पोजीशन को देखता हूं, ठीक है। तो एस फ्रेम में स्थिति, अगर मैं एस फ्रेम में स्थिति देखना चाहता हूं, और इस जगह की स्थिति देखना चाहता हूं E1 की, ये E1, यहां पर ये इवेंट E1, इसकी स्थिति क्या मेजर करोगे आप कि X1 YZ को मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि YZ चेंज नहीं हो रहा है, और ये हो गया आपके पास X और ये हो गया T, ठीक है। अगर आपको यहां पर अगर स्थिति मेजर करनी है E2 पर, तो क्या करेंगे कि ये E2, ये आपके पास X1 है और ये आ गया X2 T, दोनों ही फ्रेम में टाइम T है। तो अगर हमारे पास जो फ्रेम है वो अगर मूविंग नहीं है, तो
उस पर टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो मूविंग है तो टाइम का बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा जो अभी लास्ट में आ जाएगा डेरिवेशन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर यहाँ पर मैं इसकी एग्जैक्ट पोजिशन मालूम करना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं इन दोनों के बीच की लंबाई को मैंने एल इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ये मैंने स्थिर फ्रेम में जो हमारे पास ये वस्तु थी उसकी मैंने लंबाई को मेजर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को मैं अगर मूविंग फ्रेम में मेजर करना चाहूं तो क्या होगा दोस्तों स्थिति, आप ये देखिए, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि अगर कोई जो फ्रेम v वेलोसिटी से गतिमान होती है तो उसका अगर x1 आपको पता करना हो तो यहाँ पर x1 डैश लिखेंगे क्योंकि s डैश फ्रेम है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि x1 माइनस वी टी, ये फॉर्मूला लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आया है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार ये x1 की पोजीशन हो गई, इसी प्रकार x2 डैश की पोजीशन पता करना हो तो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, x2 माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमारे को इन दोनों के बीच में बीच की लेंथ पता करनी है, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि x2 माइनस ये हो गया x1 डैश, ये हो गया x2 डैश, तो x2 डैश माइनस x1 कर लेते हैं, x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल टू, तो दोनों के नीचे लेसर लेंगे दोनों में, तो दोनों के नीचे तो सेम चीज रहेगी क्योंकि दोनों के नीचे सेम है, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहां पर ये vt से vt कैंसिल हो जाएगा और x1 x2 माइनस x2 x2 माइनस x1 आ जाएगा, ये vt से vt कैंसिल हो जाएगा और x2 माइनस x1, तो ये कुछ आपके पास जो s डैश फ्रेम थी उसके अंदर आपके पास लंबाई आ गई। अब आप देख सकते हो कि लंबाई में संकुचन कैसे आया, तो देखिए आपके पास पहले आपके पास क्या आया था, जो फ्रेम रेस्ट थी उसके अंदर ओनली x2 माइनस x1 लेंथ आई थी, इसमें कुछ नीचे भी कुछ है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां से कुछ छोटी चीज आएगी, तो कुछ ना कुछ तो अंतर आ गया x2 माइनस x1 में। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो x2 माइनस x1 डैश है इसको क्या कर सकते हैं कि रेस्ट फ्रेम में छड़ की लंबाई मान लेते हैं, ये क्या है छड़ की लंबाई रेस्ट फ्रेम में, इसको आर एस लिख दो, और ये छड़ की लंबाई मूविंग फ्रेम है इसको एल एम लिख दो अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आपके पास ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आपके अभी जो आपके पास रिलेटिविस्टी जो ये आपकी चल रही है सीरीज उसके अंदर दो चार वीडियोज और बाकी है दोस्तों, तो उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, इसके लिए आप दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।